जैसे कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे, और हमने यहाँ पर ऐसे किसी राज्य का 12वीं शताब्दी में बना था, यानी 13वीं और 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर दिखाए गए हैं, जैसे कि फिरोजाबाद दिखाया गया है, फिरोज शाह कोटला दिखाया गया है, फौजकाश दिखाया गया है। ये यमुना नदी का पुराना मार्ग है, ये तुगलकाबाद दिखाया गया है, आदिलाबाद दिखाया गया है, दिल्ली ये कोना दिखाया गया है, कुतुब मीनार दिखाया गया है, हौज सुल्तान यहाँ पर दिखाया गया है, सीरी यहाँ पर दिखाया गया है। तो पहले पहल तैमूर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी थी? 12वीं सदी के मध्य में तैमूरों को, यानी तोमरों को अजमेर के चौहान, जिन्हें चहमान नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने परास्त कर दिया, और तोमरों और चौहान के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे, जो काफी प्रचलन में थे। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप में बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। यहाँ पर हम बात करें कि जिस इलाके में हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए हैं, जैसे कि दिल्ली ये कोना है, सीरी है, जापाना है, ये यहाँ पर जगह है, जैसे जापाना ये है जगह। तो दिल्ली के शासकों की बात करें तो दिल्ली के शासक, इधर हम देखें राजपूत शासक और इधर हम देखें, जैसे कि आरंभिक 12वीं शताब्दी में, यानी कि 1165 के आसपास तोमर आए थे, उसके बाद में ये तोमर वंश से राजपूत वंश था, फिर अनंगपाल आए थे 1130 से 1145, चौहान आए थे 1165 से 1192, पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया था 1175 से 1192 तक। उसके बाद में प्रारंभिक तुर्की शासक है, 1286 1290 तक तुर्कियों का शासक रहा था, कुतुबुद्दीन ऐबक है, 1286 1210 तक शासन किया, फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1210 से 1237 तक, रजिया ने 1237 से 1240 तक, गयासुद्दीन बलबक ने 1266 से 1287 तक शासन किया। फिर तो तुर्की के बाद में आया यहाँ पर खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तो इल्तुतमिश का मकबरा है ये दिल्ली में। जलाउद्दीन खिलजी आया खिलजी वंश में 1290 से 1296, और अलाउद्दीन खिलजी आया 1296 से 1316। फिर तुगलक वंश आया 1320 से 1414 तक रहा था, यानी लगभग लगभग 100 साल, 94 साल के आसपास शासन किया था। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1321 तक, मोहम्मद तुगलक आया 1324 से 1351, फिरोज शाह तुगलक आया 1351 से 1388। ये दिल्ली में अलाई दरवाजा का चित्र बनाया गया है। फिर सैयद वंश आया तुगलक वंश के बाद में, सैयद वंश 1414 से 1451 तक रहा, खिज खान ने 1414 से 1421 तक शासन किया। फिर सैयद वंश के बाद में लोधी वंश आया 1451 से 1526 तक, बहलोल लोधी है 1451 से 1489 तक शासन किया। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा यहाँ पर बनाया गया है। फिर दिल्ली के सुल्तानों के बानकारों में जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है? हालांकि अभिलेख सिक्कों और स्थापत्य के माध्यम से काफी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास तारीख हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर, जैसे पांडुलिपि को तैयार करने के यहाँ पर चरण बताए गए हैं, जैसे कि पहले पांडुलिपि के लिए कागज तैयार करना होता था, फिर लेखन कार्य किया जाता था, महत्वपूर्ण शब्दों अनुच्छेदों को ध्यान से आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग किया जाता था, फिर जल्दी तैयार करना पड़ता था। यानी कि तारीख के लेखन सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारिया जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द है। न्याय चक्र क्या होता है? 13वीं सदी के इतिहासकार फख ए मुख्तियार ने लिखा था कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता था, सैनिक वेतन के बिना नहीं चल सकते थे। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे।
ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें हम, जैसे कि तारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते थे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए अपने ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा से लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। जन्मसिद्ध अधिकार क्या होता है? जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा। उदाहरण के लिए हम मान सकते हैं कि लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। लिंग भेद की बात करें, स्त्री और पुरुषों के बीच सामाजिक एवं शारीरिक रचना संबंधी अंतर, आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी थी। तो ये महिला सशक्तिकरण को बताता है। पुराने जमाने में यानी महिलाओं को अच्छा सम्मान दिया जाता था। इस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया था कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य एवं सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उनके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे और सन 1240 में उन्हें सिंहासन से यहाँ पर हटा दिया गया था। रजिया के बारे में मिन्हाज ए सिराज के विचार में बताया गया है कि मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई थी उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका बोरा, जो कि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए उतनी शानदार सूचियों से या इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेख और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय कांकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी यानी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पशु जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की, रानी दिद्दा, जो कि 980 से 1003 तक, उनका नाम दीदी यानी बड़ी बहन से निकला था। और जाहिर है कि प्रजा ने अपने प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया था, दीदी। तो मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं कि यहाँ पर लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे। स्त्री के लिए शासन बनाना इतना कठिन क्यों था, इसके बारे में बात कर सकते हैं। फिर है शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा जीते गए प्रमुख शहर हैं यहाँ पर, जैसे कि कौन कौन से शहर हैं। ये दिल्ली सल्तनत का विस्तार यानी गैरिसियन शहर से लेकर साम्राज्य तक एक दिल्ली सल्तनत का विस्तार बताया गया है। तो दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से शहर आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि ये आ रहा लखनौली, बनारस, ये गोमती नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल नदी यहाँ से आ रही है, ग्वालियर, रणथम्बोर, अजमेर, कांसली, उच्च, मुल्तान, राजकोट, काजकोट या राय काजकोट है, सिंधु नदी है, झेलम, रावी और चेनाब नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी यहाँ पर। और हम बात करें जैसे कि ये क्या है, तवर हिंद, कुहराम, सनाम, सरस्वती, वारवाला, होसी, दिल्ली, बारन, बदायूं, बनवार, कोल, अवध, ये सभी दिल्ली सल्तनत के शासन के अंडर आते थे। भीतरी प्रदेश क्या होता है? किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे। गैरिसन शहर होता है किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसन यानी रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध लेकिन इससे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण नहीं के बराबर था, इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर और लूट मार पर निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली के सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनके संपर्क नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों से और उन उन
सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरियों का आवाज मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सुल्तान बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए था। इसका विस्तार हुआ गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन राज्यकाल में। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसिन शहरों की पृष्ठभूमियों में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। यहाँ जमीनी किसानों को दे दी गई और कृषि कार्यों को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्ग की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले और शहर यहाँ पर बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। दक्षिणी भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं में हाथी हाथी घोड़े गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली थी। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्षों बाद मुगल तुगलक के मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस महाद्वीप की एक विशाल क्षेत्र उनके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इससे शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर उनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था इसके बारे में बात करें। जैसे कि पंजाब, दिल्ली और दिल्ली से 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया, चित्तौड़ पर 1303 में, 1301 में रणथंभौर पर, 1302 और 1303 में वारंगल, देवागिरी में 1311 में, मोंडू में 1305 में सोमनाथ का मंदिर यहाँ पर यादव है, फिर 1310 से 1311 के बीच में यहाँ पर कहाँ आ गया, ये आ गया नीचे द्वारका या द्वार समुद्र में बोल सकते हैं इसको, होयसल बोल सकते हैं, फिर 1311 में तंजावुर मंदुरे पांडिचेरी की साइड आ जाएगा, काकतीय है ये वारंगल की साइड हो जाएगा, ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। तो ये पूरे सैनिक अभियान बताएगा यहाँ पर मुगलों के। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान यहाँ पर ही बताया गया है। फिर हम देखें कि 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद तथा उनकी मीनारें। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को देहली कुहना यानी पुराना शहर कहा जाता है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया और मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। इस मस्जिद के बारे में बात करें, ये मस्जिद है यहाँ पर अरबी भाषा का शब्द है, अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा यानी घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद और मस्जिद ए जामी यह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्माननीय और विद्वान पुरुष को इनाम या नेता के रूप में चुना जाता है। इनाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश भी देते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है और मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। यहाँ पर फिर बेगमपुरी मस्जिद, यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहाँपनाह विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिदों के तौर पर बनाई गई है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीपों के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई, इनमें से उनके मुसलमानों और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता है। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में मस्जिद सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के बीच बोध को प्रबल करना जरूरी था क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। यहाँ पर हम देखें, मौट की मस्जिद है सिकंदर लोदी के शासनकाल में, यह उसके मंत्री के द्वारा बनाई गई थी। जमाली कमाली की मस्जिद है 1520 के दशक में, आखिरी दिनों में ये निर्मित की गई थी जमाली कमाली की मस्जिद। फिर हम देखें खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, यह नजदीक से एक नजर हम डालें खिलजी और तुगलक वंश में किस तरीके से प्रशासन रहा है। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों और प्रशासकों की जरूरत थी।
दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था और उन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरीके से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तान को सलाह दी जाती थी, यहाँ पर जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए। वो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना था कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से बढ़कर होता है। तो यहाँ पर गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण हम समझ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो वफादार होता है। फिर हम देखें आश्रय। जो व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता है उस पर निर्भर करता है, उसे कहते हैं आश्रय। खिलजी वंश और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे हैं। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन उनकी राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिक और संरक्षक के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं रहते थे। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठने से ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों के द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तरह तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को उच्च पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की थी। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन की बात करें, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाला फिरोज हल अज्जाम नामक नाई, मनका और तख्खा नामक बावर्ची और लट्ठा और पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया। और 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अस्थिरता के उदाहरण के रूप में किया है। फिर हम देखें कि पहले वाले सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके एकता का कहलाते हैं और इन्हें संभालने वाले अधिकारी एकतावार या मुक्ति कहा जाते हैं। मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियान का नेतृत्व करना, अपने एकतों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, अपने सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों में राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों में तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से नया चले, उन्हें कोई भी एकता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, लेकिन बाद में इसका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरों के इन कठोर नियमों की बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों के द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब होने के लिए या हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए गए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर की वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए, तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों ने कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने का बाध्य कर दिया गया। सुल्तानों के प्रशासकों ने जमीन की पैदाइश की और उसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारियों के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे थे। इस तरह तीन तरह के कर थे यहाँ पर। कृषि पर जिसे खराज कहा जाता था, किसान की उपज का लगभग 50% होता था, मवेशियों पर और घरों पर। तो यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर नहीं था, और दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, और दक्षिणी भारत की विजय के तुरंत बाद की बात है। पर दक्षिणी भारत के विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगल वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम जिनको बैठाने में सुल्तान की सेनाएं हैं वो अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन
ऊपर जोर जोर से अपना अधिकार जमा लेते थे और उन अधिकार को कुछ ही समय तक रखा जाता था। सरदार और उनकी किलेबंदी के बारे में बात करें, अफ्रीकी देश मोरक्को ने 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे, कभी कभी पास के जलमंडों में। भारत के पास वह पोल नहीं होता है और वह बहुत बड़ा होता है, इसके अलग अलग हिस्सों में आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता है। वे कुल मिलाकर बहुत सी मजबूत होते हैं। सरदार इस जंगल में रहते हैं जो अपने ही किले प्राचीर का काम ले देते हैं। इस दीवार के घेरे में अपने मवेशी के और फसल के रहते हैं और अंदर की पानी भी उपलब्ध रहता है। यहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं को बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुस करके खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती हैं। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑस्मियाना यानी आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला कर दिया और उनके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ रहे हैं, जिससे मजबूत होकर के दोनों के सुल्तानों ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती था और दोनों मुसलमानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया हम बात कर सकते हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें, एक तरफ हम मोहम्मद तुगलक के बारे में बात करें। दिल्ली पर 2 बार हमले हुए। अलाउद्दीन खिलजी पर 1299 से 1933, 1299 से 1300, 1302 से 1305। उनका सामना अपने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। फिर हम मोहम्मद तुगलक की बात करें, मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उनके यहाँ पर ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली और एक स्थायी सेना तैयार करना उनका आक्रामक कदम था। फिर हम देखें कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया है और नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराना शहर दिल्ली ये कोना को निवासियों में खाली करवा करके वहां सैनिक छावनी बना दी गई है। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण की बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया है। सैनिकों की पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि के कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया जा सकता है। इस होने की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर डब टब कर दिया गया था और यहाँ पर सैनिकों को यहाँ पर जो है मोहम्मद तुगलक ये सैनिकों को खिलाने के लिए इसके इलाके में खाद्यान्न इकट्ठा किया गया था और लेकिन सैनिकों के विशाल संग्रह की जरूरत बिना करने पूरा करने के लिए यहाँ पर सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र की में अकाल भी पड़ा, सैनिकों को वेतन देना होता है। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीद लेते थे और आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमत बढ़ा देंगे और उन्हें रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में चीजों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया और अब यहाँ पर अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करने लगे। जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। फिर हम बात करें यहाँ पर मोहम्मद तुगलक की। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह अपने कुछ पल या कुछ कुछ आज की क्या है कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते हैं लेकिन सोने चांदी के न होकर अपनी सस्तु धातु के होते हैं। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा था। वे बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्कों को बचा कर रख लेते थे और तमाम कर यहाँ पर इस टोकन मुद्रा से ही निकले थे और इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्कों को बड़ी आसानी से
निकाल सकते हैं, उन्हें सजा मिलती है, यानी कि सजा मिलती है। अलाउद्दीन की प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे हैं। इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता में आपूर्ति के लिए उनके शासनकाल की बहुत ही प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उन्होंने सफलतापूर्वक सामना किया है। मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे हैं। कश्मीर पर उनका आक्रमण पूरी तरीके से विफल रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया। वह अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इसी बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए उनमें से कई परेशानी पैदा हो गई। दौलताबाद से जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दबाव में करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दबाव में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा ही वापस लेनी पड़ी। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल के 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत के बारे में बात करें। जैसे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और अगला और सैयद और लोधी वंशों का राज रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिणी भारत में स्वतंत्र भारत के उठे खड़े हुए कदम देखेंगे हम। राजधानी समृद्धि थी, राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान और राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उतरे। इसी काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे तो कुछ पर शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल एवं सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी की बात करें, शेरशाह सूरी 1540 से 1545 में बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540, 1555 से 1556 तक को चुनौती दे दी और उनको परास्त कर दिया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। हालांकि सूरी वंश ने केवल 15 वर्ष के शासन किया, लेकिन उनके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पर वाले कई तरीकों को अपना करके उन्हें और भी चुस्त बना दिया है। महान सम्राट अकबर 1526 से 1605 ने मुगल साम्राज्य को समेकित किया है तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था को ही अपनाया है। क्योंकि यहाँ पर बात करें हम जैसे कि तीन श्रेणियां ईश्वर, शांति, नाइट और धर्मयुद्ध के बारे में बात करें। तीन श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस के सूत्रबद्ध किया गया था। इनके अनुसार समाज के तीन वर्गों में विभाजित किया गया, प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। तीनों वर्गों में समाज की इस इकाई को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त है। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने की सहायता मिलती है। इसी विशेषज्ञ ने योद्धाओं को एक नया रूप भी उभार दिया। नया रूप भी यहाँ पर क्या किया, और नया समूह भी उभरा और इन योद्धाओं की नाइट कहा जाता है। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता है, अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इसका उपयोग करता है। नाइटों से अपेक्षा की जाती है कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहे। कोशिश यह रहती है कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई लड़ाई से विमुख करके इन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करके ने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। और इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड यानी धर्मयुद्ध कहा जा गया। ईश्वर और धर्म की सेवा के लिए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरीके से बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक, जर्मनी में उनमें से एक सदी बाद इन योद्धाओं ने दीनहीन अतीत को भुला दिया और 12वीं सदी तक कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे।